नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनडीए टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहां पर युवा राजपूत सभा प्रोटेस्ट पे बैठी है, वहां पर आज एक फ्लेक्स उन्होंने लगा दी है और इसमें तब साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तमाम जो एसोसिएशन जितने भी लोग युवा राजपूत सभा को समर्थन कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद कर रही है, युवा राजपूत सभा का उन सबका थैंक्स कर रही है कि 23 सितंबर की छुट्टी के साथ वो हमारी स्पेशल थैंक्स जिन्होंने इनकी बात जो है वो आगे तक रख रहे हैं और लगातार जो है इनकी कवरेज कर रहे हैं। और एक चीज सबसे बड़ी यही कहने वाली है कि युवा राजपूत सभा के साथ सबसे बड़ा समर्थन जम्मू की अगर बात करूं या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या फिर एसोसिएशन थी सबका सबका जो समर्थन है वो युवा राजपूत सभा को मिला और काफी प्यार भी जो है युवा राजपूत सभा को इन सबका मिला। और युवा राजपूत सभा जो लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है और इनकी मांग जो है कि जल्द से जल्द 23 सितंबर जाने की महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अलग अलग एसोसिएशंस के रिगार्डिंग चलते यहां पर दस्ते मददगार के चेयरमैन इमरान शेख भी यहां पर आज इनके साथ समर्थन में पहुंचे हैं और इनका भी यही कहना है कि युवा राजपूत सभा के साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हैं और जल्द से जल्द जो है वो छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। और अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है एक आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। हम देख रहे हैं, हमने पहले भी आपको सिद्रा से कवरेज बताई, यहाँ पर युवा राजपूत सभा के कुछ मेम्बरान बीच में थे, फिर वहां के स्थानीय लोग थे फॉर्मर सरपंच से, उनका भी यही कहना था कि जो है छुट्टी जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। और सबसे बड़ी यही चीज देखने वाली है कि हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और कहा जा रहा है एक ही चीज कि महाराजा हरि सिंह, ना जाने की इतनी बात नहीं कही जाती कि वो सिर्फ राजपूताना थे, वो सबके राजा थे, सब जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके वो राजा थे। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं यहाँ पर युवा राजपूत सभा के मेम्बरान उनकी जितने भी यहाँ पर लोग समर्थक सब उनके साथ यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हैं। पर सबसे बड़ी चीज यही देखने वाली है कि आज जो समर्थन में लोग आए हैं उसमें से सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो दस्ते मददगार जो कि एक ऐसी संस्था है जो लोगों के साथ काफी जुड़ी हुई है और लोगों के साथ जब भी कभी कोई जरूरत पड़ती है तो उनके साथ आकर शाना बशाना खड़ी होती है। और आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं युवा राजपूत सभा के साथ समर्थन में बैठने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर इमरान शेख साहब हैं जो दस्ते मददगार के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ अरियाज साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तमाम टीम पूरी यहाँ पर है। क्या कहेंगे शेख साहब, आज युवा राजपूत सभा के साथ आप भी समर्थन में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा समर्थन जो है वो युवा राजपूत सभा को मिला है। महाराजा हरि सिंह सामने उनकी प्रतिमा नजर आ रही है, उनकी छुट्टी की मांग की जा रही है, क्या कहना है आपका? दस्ते मददगार का आज जितना भी ग्रुप है इनके सपोर्ट में है, पूरे जम्मू कश्मीर की यही मांग है कि महाराजा हरि सिंह जो है उनके जन्मदिन के मौके पे छुट्टी दी जाए। जिस महाराजा हरि सिंह ने हमें इंडिया के साथ कनेक्ट किया, कभी भेदभाव नहीं किया जिंदगी में कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। महाराजा हरि सिंह जी खाली जम्मू के महाराजा नहीं थे बल्कि पूरे स्टेट के महाराजा थे। हमारा दस्ते मददगार का जितना भी ग्रुप है हम इनके सपोर्ट में है और ये मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी की जो है मांग पूरी की जाए। प्रोटेस्ट जो था ना वो पहले शुरुआत हुई थी राजपूताना युवा राजपूत सभा जो है वो शुरू कर रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि सब कम्युनिटी के लोग, आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आज आप लोग बैठे हैं तो कितना आपको लगता है कि खाली महाराजा थे इन लोगों के, राजपूतों के नहीं थे, तमाम जम्मू कश्मीर के थे क्योंकि रियासत के मालिक थे वो, तो आप क्या कहेंगे इनके लिए? महाराजा हरि सिंह जी हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान थे, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की शान थी वो। जिस इंसान ने पूरे जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ कनेक्ट किया, जिसने किसी में बात भेदभाव नहीं किया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन ये मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है, कौन सी प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन को अगर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर छुट्टी दी जाए तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है, क्यों नहीं दे रहे ये चीज, क्यों नहीं दे रहे हैं? बस ये लोगों की यहाँ पर सोच पर यही इमरान शेख साहब का भी कहना है कि वजह क्या है। हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन राज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब क्या कहेंगे? सब स्पेशली मैं यही कहूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं और आज हम देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पर समर्थन में बैठे हैं और दस्ते मददगार भी आज जो है यहाँ पर समर्थन में आई है, क्या कहना है आपका? मैं तमाम मीडिया के लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आते हैं कवरेज के लिए। मैं पहले भी मीडिया बाइट दे चुका हूं, मैं फिर से ये बताना चाहूंगा, महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी डिमांड कर रहे हैं जम्मू के लोग,
ये जेन्युइन डिमांड है और जम्मू के लोगों को चाहिए कि हमारा साथ देना। उसी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए दस्तक मतदाता की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और मैं ये बताना चाहूंगा आपकी माध्यम से कि महाराजा हरि सिंह वो राजा थे जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते थे, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन जम्मू कश्मीर में कंपलसरी की थी, जिन्होंने लो कास्ट के लोगों को रिलीजियस प्लेसेस पे अलो किया था। ये वो महाराजा जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज अगर नाम है जम्मू कश्मीर का, इनकी वजह से है। अगर ये डिमांड एक छुट्टी कर रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। मैं आपकी माध्यम से बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने पीछे 4 सालों में दर्जनों नहीं सैकड़ों नाम बदले हैं, किसी कॉलेज का नाम बदला है, स्कूलों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले, बिल्डिंग्स के नाम बदले हैं। क्या आप 2 लाइनों का आर्डर टाइप नहीं कर सकते महाराजा हरि सिंह के नाम का? यही रिक्वेस्ट, यही इज्जत आप देना चाहते हो डोगराज को? आप यहाँ पे गुजराती और बिहारी रूल चलाना चाहते हो, यहाँ के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। अगर यहाँ राज चलेगा तो डोगरा रूल का राज चलेगा और हम छुट्टी लेके रहेंगे। और डीसी साहब से दरख्वास्त करूंगा मैं, मोहतबाना गुजारिश है कि 144 का जो आर्डर लगाया गया है, आर्डर इम्पोज किया गया, इसको तुरंत रिवोक किया जाए। ये जेन्युइन डिमांड्स पे भी अगर हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ये हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम हर जगह प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है और दस्ते मददगार की पूरी टीम राजपूत सभा के साथ जहां पे जरूरत पड़ेगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यही कहना है कि छुट्टी जो आखिर 2 लाइनें जो टाइप करनी है वो जल्द से जल्द क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब क्यों है? हमारे साथ यहाँ पर युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष, जब भी इनसे बात करने की कोशिश करें तो मन करता है डोगरी में बात करें, क्योंकि डोगरों की शान। प्रधान जी पहले हम ये गल सुनाओ, सानू भी आखिया आ रहे हो कि तुम थकी जाने, पहले मैं तुम्हें पूछना चाहना थके नहीं है? सर जे थकी है मैं अस्पताल पुजो ना सदन काम होना है, लेकिन मैं आ दम मेरा रखा, मैं जिले दम मेरा नहीं रो दोले दिखे जा बावे अली सामने बैठी दी आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है साडे पर माता बावे अली दा। ते तुंदे मीडिया प्रेमी भराया दा भी बड़ा साथ है, अज बच्चे बच्चे दी जुबान दे उपर महाराजा हरि सिंह दा जिहड़ा नां चला दा ओहदे विच किसे ना किसे साडे जिहड़े तुहाडे ने साथी ने जिहड़े साडे कन्ने पिछले 10 साल दे चला दे उंदा भी बड़ा योगदान है। जिहड़ी गल साडी नहीं सुणदी, कम से कम अज इन्नी गल दे आखदे कि असीं चीफ मिनिस्टर बनाओ छुट्टी दे के, यार यार चीफ मिनिस्टर बनाने की गल है, तुसें गल ही बनाना। इतने बना के कोई सुमित आटा, कोई मुकेश आटा, कोई पांडू आटा, अपना भरा बना के जो पहले सारा छुट्टी का काम करो, फिर भी तुसें बनाना क्यों बनाना? मतलब यकीन बात भी कोई नहीं है। देखो मैं आखा कि कम से कम डोगरों की गल रखनी चाहिए, सारे को पहले अस डोगरे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांबे आनी आखते ना अस डोगरे आखने शाना करना है, जीती दिया चंगा घमसाना करना है, मोदी और भी आखते ना। जेड़े जम्मू के माए बड़े बने क्या खाओ में इन्हें, क्या इंदे को कोई एक गल भी निकल दी है? इंदी जबान पर ताले क्यों लगे देन? ये सिर लाल चुन्नी को डरा देन? अगर बाबा अली माता आशीर्वाद रहे ना तो इंदा बाहर निकलना भी मुश्किल करके वक्त आन दियो। जुले ना जुले युवा रायपुर सभा प्रोटेस्ट कर दी ना, जेड़ी असलियत है मैं लोगों की गल सुनाना, लोग सोचते हैं युवा रायपुर सभा आ रही है, अगवा नहीं आती है, बुलेट के पटाके डवाल दी है, स्कॉर्पियो जो मुंह बाहर कट देन ते 2 मिनट चक्कर चुक्कर लाइए टूरी दे, पर हूं इं लग रहा है कि युवा रायपुर सभा भी धुप भी होने लग रही है। देखो बूटा लोग निकारा लाते दे, पानी देंगे आ पानी दे बारी बारी, हूं बूटा बड़ा हुई पूरी शान होती है, थे बंदे पूरे जम्मू के बही जन, हूं बूटा बड़ा हुआ शान दे लैनी है, जे पानी दीते हक भी मंगना, यह क्रेडिट नहीं कोई लैन देना खास करिए भारतीय जनता पार्टी। मैं सुना अज बड़े सारे कम्युनिटी के लोग तुंदे कन्नै पहले भी समर्थन दे आए, दस्ते मददगार एक इत्थों दी एसोसिएशन है बड़ा अच्छा काम करा करदी है, इमरान शेख ने, रियाज साहब उंदे जिहड़े चेयरमैन फाउंडर ने, वो बड़ा अच्छा काम करा करदे। अज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तुंदे कन्नै आणीए बैठीए के आखदे उंदे बारे? सर देखो मैं तुसें पहले भी सुना, अगर कोई एक मंच है जिहदे पर जम्मू के लोग इकट्ठे होई सकदे ने, पूरे जेएंडके दे कश्मीरी मुसलमान हिंदू सिख सरदार ब्राह्मण राजपूत जट एससी एसटी, वो महाराजा हरि सिंह की गल इको गल है, जो जम्मू कट्ठा हो सकता वो अस गल कट्ठी करा दे, लेकिन साड़ी बदनसीबी है कि जेड़ी सरकार पहले जम्मू 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 की गल कर दी हैं, अज बोला दे नहीं है ना, अपने दफ्तर च आखा दे अं वोट दो सारा सीएम बनाओ तो एस एस पी देगे, ये गलत गल है। इन्नी अंतराय में कमजोर अपने महत्व वास्ते लोगों यूज नहीं करना चाहिए। अज अस तुम्हें आखा दे कि सारा फर्ज है डोगरों की गल रखना, डोगरों की गल करना, डोगरों के मान सम्मान ही जी ठेस पहुंचा दी हिसाब किताब इन लैना वह लै दें, लेकिन बड़ा खुशी है कि अज 144 सांबे भी लगी है,
अस आखने कल अखनूर भी लगे परसू रियासी लगे चोश खोड़ लगे ताकि दिल्ली भी पता लगे 144 कैली लगे जम्मू बच्चे क्योंकि इनकी गल नहीं सोचा जी ये आखिर हम बात करेंगे पीएचई वालों की बात करेंगे। मैं एक गल सुनाओ मैं अपने मां प्यो का बच्चा चेहरे में अपने प्यो की गल नहीं रखी सकता जो अपने मां बच्चे कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो मैं फिर प्यो कराने का हक भी नहीं है। अगर बीजेपी के बंदे इतने इनके डिप्टी सीएम के या सारे बंदे इतने आए फार स्टूडेंट ने आख्या आपकी लिस्ट कैंसल नहीं होगी कोई इसका जवाबदार कौन है तो जवाबदारी लेना। लेकिन साड़ी बदकिस्मती है सारे जम्मू की गल ना कोई पहले की ना हूं करनी लेकिन देखो मुस्लिम समुदाय के लोग पानी पिलान सारे बच्चे ही आवा दे लेकिन आज शाम धोड़ी कुछ नहीं सारा अनशन पर बैठे हैं पूरी ताकत लाई गए। मैं शुक्र गुजार हाँ जनरल जोरावर सिंह टीम जी रियासी की बनी हुई है ये कुड़िया दीक्षा दे रही इनके पिता जी इन्हें इनका ना जरा सुनहरे अक्षर लिखी दिया कि हाँ भाई अस साड़ा भी जरा फर्ज है जम्मू के डोगरा होने तक अस निभा दें इन्या के मैं सारे लोग आखो अपने अपने घर का निकलिए अपनी अपनी आवाज बुलंद करो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। डोगरा जो है वो हर कोई अब घर से निकले और एक ही मांग करे कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जन्मदिन की छुट्टी जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस समय आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं सभी अगर बात करें तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पर समर्थन में इस समय बैठे हुए हैं। दफा 144 की बात जरूर की कि दफा 144 जो है वो लग रही है जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि दफा 144 लग रही है और यहाँ पर टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह भी इनके साथ बैठे हैं जो कि एक सीनियर पत्रकार भी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही देखने वाली है आखिर कब तक कब ये छुट्टी अनाउंस होगी कितना लंबा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ यहाँ पर दस्ते पत्रकार के रियाज जी का कहना है कि दो लाइनें जल्द से जल्द टाइप करके दे दीजिए और कह दीजिए कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी जो है वो हो गई है। बस इसी का इंतजार जो है इस समय चल रहा है। बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए देखते रहे एनईएस डिजिटल टीवी। जय हिंद जय भारत जय जम्मू।